हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ आज आपको रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा और रूमेटिक आर्थराइटिस होता कैसे है और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ये मेनली जॉइंट में अटैक करती है मेनली, और ये इंडिया में मोस्ट कॉमन हो चुका है। तो ये मेनली रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट और फीट, ये सब जॉइंट में अटैक करती है। साथ ही साथ ऑर्गन पे भी इसका अटैक होता है, जैसे आई हो गया, स्किन हो गई, इसके बाद हार्ट हो गया और लंग्स हो गया, ये सब ऑर्गन पे भी अटैक करती है। साथ ही साथ किडनी, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब एरिया में भी अटैक करती है। और ये कैसे हमारे बॉडी पे अटैक करती है उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारे जॉइंट के ऊपर अटैक करती हैं, फिर वहाँ से साइटोकाइनिन केमिकल सिक्रीट होता है जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक करती है, और वहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं जिसको हम पेनस कहते हैं, और वहाँ पे थिकनेस बढ़ती जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है कि फ्लूड का डिपोजिशन होने लगता है, और वहाँ पे जो जॉइंट रहते हैं जॉइंट में भी इफ़ेक्ट डालती है। साथ ही साथ बोन पे भी अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण हमारी बोन मूवमेंट करना बंद कर देती है। यही होता है रूमेटिक आर्थराइटिस। इसके बाद दोस्तों कुछ कॉजेस देख लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका कोई कॉज तो फाइंड आउट नहीं हुआ है इस अभी तक, मगर इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसमें जो मेनली ये सेक्स में देखा जाए तो ये मेनली फीमेल को होता है, देन मेल, मतलब इसके बाद मेल को होता है। इसके बाद आते हैं एज में। तो एज में आपको अपने लाइफ में कभी भी हो सकता है, बट इसका जो मेनली क्राइटेरिया रहता है वो रहता है मिडिल ईयर, मतलब कि 25 से 50 साल की उम्र में रहता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कभी हुआ होगा रूमेटिक आर्थराइटिस तो वो आपको भी हो सकता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं स्मोकिंग। अगर कोई भी पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो उसे भी होने के चांसेस रहते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस के। इसके बाद अगला देख लेते हैं ओबेसिटी। अगर किसी को मोटापा ज़्यादा है तो उसे भी रूमेटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ होम्योपैथी मेडिसिन देख लेते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस की कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है। तो पहली मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन, ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए। अगर आपको पूरे जॉइंट में पेन हो रहा हो, ऑल ओवर जॉइंट में अगर आपको सीवियर पेन हो रहा हो और साथ ही साथ वहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट हो, तो आप ये वाली मेडिसिन कर सकते हैं यूज़। इसके बाद और भी प्रॉब्लम, अगर आपको रेस्ट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो पेन आपका बढ़ रहा है, अगर ये सब सिम्टम आपको दिख रहे हैं तब आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है हॉट वेदर में इसकी प्रॉब्लम एग्रावेट होती है, तो अगर आपको ये सब सिम्टम हैं तो आप रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन ले सकते हैं। अब दोस्तों इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको ये मेडिसिन लेना हो तो आप 0/1 में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप 3x और 6 पोटेंसी में ले सकते हैं। सुबह शाम लेना है आपको 6 ग्लोब्यूल्स और शाम को 6 ग्लोब्यूल्स, ये हो गया 3x और 6 पोटेंसी की बात। अगर आप 0/1 लेते हैं तो आपको 2 डोज लेना है सुबह खाली पेट। इसकी बनाने का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे बनाते हैं LM पोटेंसी को, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन देख लेते हैं कॉल्चिकम। कॉल्चिकम भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए। अगर आपको सीवियर पेन हो रहा होगा, साथ ही साथ आपको पिन नीडल लाइक पेन, इसका मतलब कि सुई के समान दर्द हो रहा होगा, सुई चूहे समान दर्द हो रहा होगा, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। साथ ही साथ ये मेडिसिन मेनली रिस्ट जॉइंट में पेन को एक्ट करती है, मतलब रिस्ट जॉइंट की जो पेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन है इसका। साथ ही साथ जहाँ पे पेन होगा वहाँ पे किसी भी चीज़ का बियरिंग करना उसको अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ टच होने से उसको प्रॉब्लम एग्रावेट होती है। साथ ही साथ वहाँ पे जिस एरिया में उसको पेन होगा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोज सबसे पहले आप ले सकते हो 3x पोटेंसी, इसका जो 6 ग्लोब्यूल्स मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ले सकते हो आप।
इसके बाद आप 0/1 पोटेंसी भी ले सकते हो। इसका जो आपको प्रिपरेशन करना है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे LM पोटेंसी की मेडिसिन बनाएंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो इसका जो डोज होगा, आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेना है एक डोज और नेक्स्ट डे एक डोज, दो दिन कम से कम लेना है। इसके बाद आपको प्लेसिबो खाना है। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन देख लेते हैं, रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है रूमेटिज आर्थराइटिस के लिए। इसका जो पेन रहेगा लार्ज एरिया में रहेगा, साथ ही नेप ऑफ द नेक में भी इसका पेन प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ इसका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये कोल्ड वेदर में इसकी प्रॉब्लम एग्रावेट होती है। साथ ही साथ इसका जो पेन रहेगा, नी जॉइंट में ज़्यादा दिखेगा और इसको रिलीफ मिलेगा, मोशन से इसको रिलीफ मिलेगा और रेस्ट से प्रॉब्लम इसकी बढ़ेगी। इसके बाद आप इसकी डोज देख लेते हैं। अगर आपका पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो आप 3x पोटेंसी ले सकते हैं, मॉर्निंग टाइम 6 ग्लोबियल्स और इवनिंग टाइम 6 ग्लोबियल्स। इसके बाद अगली पोटेंसी है 30 पोटेंसी। अगर आपका पेन ज़्यादा सीवियर ना हो तो आप 30 पोटेंसी ले सकते हैं, मॉर्निंग में 6 ग्लोबियल्स और इवनिंग में 6 ग्लोबियल्स। और आपका पेन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा हो, अगर थोड़ा थोड़ा हो रहा हो, सीवियर ना हो और पेन हल्का हल्का होता हो, तो आप 0/1 मेडिसिन ले सकते हैं। 0/1 मेडिसिन कैसे बनाते हैं मैंने वीडियो में बताया पहले, आप जाके देख सकते हैं। इसको लेना है आपको खाली पेट, सुबह लेना है एक डोज दो दिन तक। ये ऐसे डोजेस हैं, इसको आपको फॉलो करना है। ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताया, और रूमेटिज आर्थराइटिस कैसे होता है ये भी बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।